हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। आज हम लोग बातें करेंगे कि अगर हमें बार बार पर्पल कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही है तो इसका रीज़न क्या है, यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रही है, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ बातें शेयर करना ज़रूरी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे नए सुन रहे हो, नए जान रहे हो, वो लोग अगर आपको ये सब बातें पसंद है जानना सुनना, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रह सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, इसके लिए आपको बेल बटन को क्लिक करना होगा और ऑल को भी सिलेक्ट करना होगा, तभी आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाएंगे। और जो लोग मेरे ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, उनके लिए बहुत सारी प्यार, लव यू ऑल गाइज, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना। तो चलो मेन टॉपिक पे आती हूँ। क्यों हमें बार बार पर्पल कलर की बटरफ्लाई ही दिखाई देते हैं, क्यों ऐसे होता है, क्यों? देखिए, वाइट, ब्लैक, येलो, इस तरह की बटरफ्लाई हमेशा हमारे नज़रों में आते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत तो आते ही है सबकी नज़रों में। लेकिन पर्पल कलर बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे नज़र में नहीं आते। और यूनिवर्स तभी हमें दिखाते हैं वो, जब हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी सी बातें आने वाली ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली, इसीलिए हमें वो साइन भेजते हैं। तो जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में जा रहे हैं और घर पे है, कहीं पर भी है, आपको कंटिन्यूसली ये पर्पल कलर की ही बटरफ्लाई नज़र में आ रही है, ठीक है। तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपको एक बहुत बहुत अच्छा लाइफ मिलने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छी साइन है, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और पर्पल कलर की बटरफ्लाई बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए आपको बार बार ये कलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी से होने वाली है, आप बहुत एक अच्छी सी लाइफ लीड करने वाली हो, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, लाइफ में एक बहुत अच्छा रास्ता खुलने वाला है स्पिरिचुअलिटी के। जो लोग बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के लिए, वो जर्नी आप चाहते थे ज़िंदगी में आए आपकी, लेकिन हो नहीं पा रहा था कुछ काम की वजह से, उन लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ आप लीड करने वाले हो। आप बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर आएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सब कुछ आप जान पाओगे, बहुत अच्छी एक लाइफ आप लीड कर पाओगे। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि जो लोग बार बार दिखाई दे रहे हो उन लोगों को, मतलब जो लोग बार बार दिखा आप दिख रहे हो कि बार बार आपके पास पर्पल कलर की बटरफ्लाई आ रही है, नज़र आ रही है आपको। बहुत सारे लोगों में ऐसा ही है, बहुत फिनेंशियल कंडीशन उनकी खराब चल रही है, या फिर मनी की बहुत ज़रूरत है, उन लोगों को बहुत सारी मनी मिलने वाला है, कहीं पर भी आप कैसे भी आपको मिलने वाला है, वो रास्ते आपको नहीं मालूम हो सकता, या फिर अचानक से आपको कैसे मनी आ जाएंगे, ठीक है। आपका जो भी आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से आपको मनी मिल सकता है, ठीक है, और बहुत अच्छी रकम की मनी मिलने वाली है। आप बहुत लकी हो, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपको बहुत अच्छा एक मतलब सपोर्ट दे रहा है वो आपको, इसीलिए आपको बार बार पर्पल कलर की बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी माने आने वाला है, आप बहुत सारी माने रिसीव करने वाले हो इसीलिए। और भी रीज़न है, क्योंकि ये जो बटरफ्लाई है बहुत ही रेयर हमें दिखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव साइन है। जो लोग ज़िंदगी में बहुत दिनों से चाहते थे कि कुछ अचीव करना, अपने गोल्स को बहुत ट्रैक कर रहे थे, लेकिन आप एक्चुअल में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे थे जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, वो आपको मिलेंगे, वो अचीवमेंट आप पाओगे, आप सब कुछ अचीव कर पाओगे जो ज़िंदगी में आप चाहते थे, ठीक है। लेकिन आपको भी कोशिश करना होगा, इनर वर्क करना होगा आपको भी, तभी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हाँ, मिलेंगे ज़रूर, इसीलिए आपको बार बार ये साइन दिखाई दे रहा है, बार बार बटरफ्लाई आपको पर्पल कलर की ही दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप ज़रूर अपनी रास्ते पे ठीक चल रहे हो, अपनी राइट ट्रैक पे हो, आप बहुत अच्छे से अपने अंदर काम करो, आप जोश लाओ, आप ज़रूर पाओगे जो चाहते हो ज़िंदगी में।
नेक्स्ट रीज़न जो है वो है कि आपकी ज़िंदगी में एक लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में एक पर्सन ऐसे आएंगे, सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, कोई ऐसे भी आ सकते, आपसे बड़ा भी हो सकता है, वो आपसे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान आने वाला है, ऐसा एक बहुत अच्छा आप दोस्त पाओगे जो आपको बहुत ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली चीज़ों से भर देगी। मतलब आपकी जो भी ज़िंदगी चल रही है, अगर आप पेनफुल लाइफ जी रहे हो तो आपको बहुत हैप्पी कर देगी। वो ऐसे ऐसे बातें करेंगे आपके साथ, आप उनको ट्रस्ट कर पाओगे, आप उनके साथ सारी बातें शेयर कर पाओगे, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देंगी, ठीक है। आपको बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाएंगे, आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो वो ठीक या मतलब गलत है वो आपको समझाएंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको इनकरेज भी करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होंगे। आपके सिर्फ लवर नहीं हो सकते, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मैंने आपके कहा कि आपको बता रही हूँ कि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते, आपको सोलमेट भी हो सकते, या फिर आपसे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब एक इंसान आपके ज़िंदगी में ऐसे इंसान आने वाले जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगे, उससे आपसे बहुत कुछ सीख पाओगे, आप बहुत कुछ सीख पाओगे ज़िंदगी के लिए, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे। नेक्स्ट जो है, आप एक अच्छा सा लाइफ आपकी आने वाली है जो बहुत ही अच्छी होगी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिलेंगे जो भी आप सोचे नहीं थे, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी रास्ते आपको मिलेंगे, एक बहुत अच्छी अच्छी रास्ते आपको चूज़ करने को मिलेंगे। आप आपके ज़िंदगी में अभी तक जो भी पेनफुल था, जो भी पेन था, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ था कि पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ था, आप उनके लिए मतलब वो आपको बार बार ये याद दिला रहा है कि आपके साथ बुरा हुआ था, इसलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है आपके ज़िंदगी में। लेकिन वो आप नहीं होगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जो अपॉर्चुनिटी आपको एक अच्छा मकाम पे आपको पहुँचाएंगे, ठीक है। आप बहुत अच्छी लाइफ लीड कर पाओगे, आप चूज़ भी कर पाओगे, एक बहुत ही राइट ट्रैक आप चूज़ कर पाओगे। और आपको इसके लिए क्या करना है, आपको भी तो इनर वर्क करनी है, क्योंकि यूनिवर्स सबको दे रहा है, लेकिन आपको ओपन हार्ट से वो रिसीव भी तो करनी है, इसलिए आपको इनर वर्क भी करना है। आपको जो भी आप सोच रहे थे पास्ट के बारे में, वो आपको लेट गो करना है, ठीक है। आपको उसे भूल जाना है, आपको लेट गो करना है, तभी आप सब कुछ रिसीव कर पाओगे ज़िंदगी में जो भी आपको यूनिवर्स दे रहा है। इसीलिए आपको बार बार पर्पल कलर की बटरफ्लाई आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है वो है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नया कुछ ज़िंदगी चाहते हैं, जैसे ज़िंदगी में कुछ चेंजेस चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। क्यों हो नहीं रहा है आपको समझ में नहीं रहा, क्योंकि आपकी ही कुछ ऐसे ही हो सकते हैं कि बैड हैबिट्स है जो आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो कि वो आप उससे निकलो, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपका जो भी चेंजेस आप लाइफ में चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको पहले वो काम करना है, आपका जो भी बैड हैबिट्स है आपको धीरे धीरे उनको कम करना है, ताकि आप ज़िंदगी में और भी अच्छे एक रिज़ल्ट पाओ, ज़िंदगी को अच्छे से लीड कर पाओ, जो भी चाहते हो ज़िंदगी में चेंजेस वो आप ला पाओ, ठीक है, आपकी चेंजेस हो ज़िंदगी में। तो इसलिए आपको भी ट्राई करना होगा, अपने अंदर की जो पावर है उनको आपको जागृत करना है, आपको धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट्स को कम करनी है, ताकि आप ज़िंदगी को अच्छे से लीड कर पाओ, ठीक है। तो इसीलिए आपको भी इनर वर्क करनी है, इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, यूनिवर्स को प्रे कर सकते हो, या फिर जो भी डिवाइन आपको पसंद है उनको प्रे कर सकते हो, गॉड को जो भी गॉड आपको पसंद है उनको प्रे कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। अपनी अंदर की जो वाइब्रेशन है उनको हाई कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, सब कुछ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। हम लोग इंसान हैं, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स के ऊपर भी ट्रस्ट रखनी है, ठीक है। तो अगर ये काम हम करेंगे तो बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी, बहुत ही आसान हो जाती है। हाँ, ज़िंदगी में तो नेगेटिव चीज़ें आएंगे, पेन सारी सब कुछ आएंगे, ठीक है, खुशी भी आएंगे, पेन भी आएंगे, बहुत सारी ऐसे घटना तो घटेंगे जो हम आशा भी नहीं करते, लेकिन हाँ ये सब टेम्पररी है। जैसे खुशी भी टेम्पररी होती है, वो वैसे दुख भी टेम्पररी होती है। अगर हम लोग सोचे कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ पास्ट के लिए, तो अगर आप पास्ट को लेकर बैठोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हैं वो याद करो, और जो बुरी चीज़ें उनसे लेसन लो, ठीक है। तो ऐसे करोगे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी तब,
क्योंकि हमारे साथ हमेशा यूनिवर्स रहते, हमारे गॉड रहते, हमारे डिवाइन रहते, तो हमें डर किस बात की। इसीलिए हमें अपने आप पर ट्रस्ट रखना होगा और हमारे गॉड और यूनिवर्स, आप स्पिरिट गाइड एंजल जो भी कहते हो, उनके ऊपर भी ट्रस्ट रखना होगा, तभी हम लोग मतलब सारी चीज़ें अचीव कर पाएंगे ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि मैंने आपको समझा, जो भी समझाया आप लोग समझे, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, और भी कुछ जानना चाहते हो किसी अलग मतलब और टॉपिक के बारे में, अलग टॉपिक के बारे में, तो अभी उनके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे लगे तो शेयर भी कर देना। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलूंगी आपके साथ और एक नया टॉपिक के साथ। आप लोग बहुत खुश रहना ज़िंदगी में और बहुत पॉजिटिव रहना, और गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बने रहे। चलो गाइस, टाटा, टेक केयर।